गाइस, आज हम मोदक बनाएंगे दो प्रकार से। तो आइए बनाते हैं मोदक। मोदक बनाने के लिए ये हमने नारियल का बुरुदा लिया है एक कटोरी, और एक कटोरी हमने मिल्क पाउडर और एक कप दूध, और ये हमने देसी खांड ली है, ये एक कटोरी से थोड़ी कम है, और ये हमने टूटी फ्रूटी ली है, और थोड़े से हमने पिस्ता लिया है, और ये आधी कटोरी हमने मलाई ली है, और तीन हमने टाइगर बिस्किट लिए हैं। तो हम दो प्रकार से मोदक बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं मोदक। ये मैंने सॉस पैन लिया है। सबसे पहले मैं पैन में आधा कप दूध डालूंगी, और आधे कप से कम मैंने दूध को बचा लिया है। अब मैं दूध के अंदर ये मिल्क पाउडर डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। और ये हमारा पेस्ट गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इसमें ये नारियल का बुरुदा डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। ये बिल्कुल मोदक बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक ये हमारा पेस्ट ठंडा होता है, तब तक मैं ये बिस्किट के पैकेट खोल लूंगी। ये मैंने टाइगर बिस्किट तीन पैकेट लिए हैं, ये छोटे वाले पैकेट लिए हैं तीन पैकेट, इनको मैं खोलूंगी। ये मेरे तीनों पैकेट खुलकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे मिक्सी बाउल में डालूंगी। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब मैं बिस्किट के टुकड़े करके इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसे बारीक पीस लूंगी। और ये हमारे बिस्किट पीस कर तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं बाउल में निकाल लूंगी वापस। ये हमने बिस्किट को बाउल में निकाल लिया है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और इधर हमारा ये पेस्ट अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये खांड डालूंगी। मैं इसमें तीन चम्मच मैंने खांड डाले हैं और बाकी मैंने इसमें बचा लिया है, और थोड़े से मैं ये पिस्ते डाल दूंगी, और ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है, और थोड़ी सी मैं इसमें से टूटी फ्रूटी डाल दूंगी, और इसे मैं मिक्स कर लूंगी हाथ की मदद से। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है।
ये मैंने मोदक का सांचा लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये पेस्ट डालूंगी दोनों साइड से और इसे मैं बंद करूंगी और अब मैं इधर से इसे अच्छे से भर लूंगी। और अब मैं इसको खोलूंगी सांचे को और ये देखो कितने अच्छे से मोदक बनाया है हमारा। ये हमारा मोदक बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है और ये बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं मोदक। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, बाकी मोदक भी मैं इसी प्रकार से बना लूंगी। ये बिल्कुल आसानी से बनके तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार से मैं अपने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लूंगी। ये हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम दूसरी प्रकार के मोदक बनाएंगे। ये हमारा बिस्किट का पेस्ट है। अब हम इसमें थोड़े से ये पिस्ते डाल देंगे और ये मैंने मलाई ली है, ये 3 चम्मच के आसपास मलाई है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं। और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इसमें से मैं थोड़े से ही बादाम डालूंगी इसमें और थोड़े बादाम बचा लूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स करूंगी और इसका डो बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये भी हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। ये भी सांचे में बनाकर मोदक तैयार कर लूंगी। इसको भी मैं उसी प्रकार से भरूंगी। ये हम चॉकलेट वाले बिस्किट के मोदक बना रहे हैं, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है हमारा मोदक। और इसी प्रकार से मैं सारे मोदक बनाऊंगी।
और ये हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे दोनों मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों मोदकों को मैं एक प्लेट में ही सर्व करूंगी। ये हमारे दो प्रकार के मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे गणेश चतुर्थी के अवसर पर जरूर बनाइए और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।